एआरसी का जो शेक था उसमें मेरे को आया 88 परसेंटाइल, मजा आ गया। क्वांट में आया 67 परसेंटाइल, ठीक था। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस, और क्या हाल चाल। तो लास्ट वाले ब्लॉग में थोड़ा स्टडीज डिस्कस किए थे लास्ट 6 मंथ का, उससे पहले वाले ब्लॉग में स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, बुक्स, वो सारा का लिंक डाले थे। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे वो वीडियो प्लीज जाओ देखो, बहुत यूजफुल है। और अभी जैसे लास्ट में ये भी बोले थे आज से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, तो अभी पहले वर्ड ऑफ द डे, फिर न्यूज एडिटोरियल, फिर उससे थोड़ा सा क्विज सेक्शन, नो योर इंग्लिश, ये सारा कंप्लीट करते हैं। कोशिश करते हैं कि ये सब आधे मतलब 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के अंदर में हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बाकी अभी सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो पहले चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो शेयर करते हैं। सो वापस आ गए अभी क्लास करके, और जीडी का क्लास था आज, बहुत मजा आया। मतलब टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और सेकेंड टॉपिक था बाय नाउ पे लेटर इज अ कन्वीनियंट ट्रैप, तो इसके तो इसमें भी जीडी में दोनों भी मतलब इजी टॉपिक और रिलेवेंट टॉपिक था, कि जो हम लोग डेली यूज इन द सेंस शॉपिंग के लिए करते हैं, और अपने इंडिया को लेके था एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मजा आया पूरा डिस्कस करने में। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 10 लोग 12 लोग के बीच में बैठ के बोलना, फेवर में बोलना, अगेंस्ट में बोलना, समराइज करना उसको। कभी कभी कोई दिक्कत आता है तो मैम से पूछ लेते हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, जो हम भी मिस्टेक कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा सुधार, और सर से थोड़ी सा डिस्कस करने के बाद पता, जैसे मेनली सिलेबस एक माइंड में रखा हुआ है कि हाँ सिलेबस कंप्लीट करना है। पता नहीं अभी तक, तो स्कूल से लेके अभी तक तो पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट किए नहीं। कैट का भी पता नहीं हो पाएगा कि नहीं पूरा सिलेबस, कोशिश तो पूरा करेंगे। तो सिलेबस पूरा करने के चक्कर में मॉक देना बंद कर दिए थे, बट वही है, मेरे को लगता है कि सेम जैसा अभी हम प्रिपेयर करें, जो बिगनर है वो भी सेम मिस्टेक करते होंगे कि मॉक देना बंद कर देते होंगे। बट मॉक देना बंद नहीं करना है, मॉक देने से एटलीस्ट पता चलता है कि कहाँ पे क्या और पढ़ना है, किसको और अच्छे से पढ़ना है, किसमें स्पीड अप आ गया है। तो अभी एक लेटेस्ट बताते हैं, अभी आज जो मॉक दिए थे, तो सबसे पहले वीएआरसी का जो शेक था उसमें मेरे को आया 88 परसेंटाइल, मजा आ गया। क्वांट में आया 67 परसेंटाइल, ठीक था। अब बताते एलआरडीआई, भाई जज मत करना, टफ तो है एलआरडीआई, -4 परसेंटाइल, पूरा क्या बोलते लुटिया ही डूब गया मेरा। तो हम बोले क्या फायदा 88 परसेंटाइल का और ये सब 67 परसेंटाइल का, जबकि यहाँ -4%। बट फिर थोड़ा सा सर से डिस्कस, बोले सर ऐसा सा बात हो गया, तो बोले कोई नहीं, होता है एलआरडीआई टफ होता है, उसमें अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस कर जाने पे हो जाता है। हम थोड़ा डेटा ही इंटरप्रेट गलत कर लिए थे बाद में जब उसका एनालिसिस किया। तो बस यही है कि अगर मॉक देते रहते हैं तो पता चलते रहता है कि हाँ कैसे, फिर बाद में वैसा टाइप का क्वेश्चन बनाए तो समझ में आया क्या करना था, कैसे डेटा अरेंज करना था, कैसे लिखना था, वो चीजें समझ में आया। और एक बार जब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस पता नहीं पूरा, जब भी लगे कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, टॉपिक्स कवर हो गया है, रिविजन जब आप कर रहे होगे, तो ये तो सब बोलते हैं आपके जो भी कैट का एग्जाम दे चुके हैं या जो प्रिपेयर कर रही है, फिर जो टीचर है वो सभी बोलेंगे। और ये कॉमन चीज है कि पिछले 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है, 50% भी अगर उसमें मतलब अगर सॉल्व कर रहे हो और 50% भी मार्क्स आ जा रहा है तो बहुत ठीक ठाक मार्क्स आ जा रहा है, बहुत हेल्प हो जाएगा वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन पैटर्न समझने में, कि किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो प्रीवियस ईयर का तो सॉल्व करना ही है क्वेश्चन पेपर। और एक जो माइंड में चलता है कि कितना कितना सॉल्व करे, तो टारगेट 10-10 का लेके रख सकते हो, 9-9 कर सकते हो, 7-7 कर सकते हो, बट एक वही है कि जिसमें थोड़ा सा स्पीड अच्छा है सॉरी एक वही है कि जिसमें थोड़ा सा अपना हैंड अच्छा है, उसमें आप अगर थोड़ा इधर इसमें 7-8 5-6 ऐसा हो गया तो उसमें 9-10-11 खींचने का कोशिश करना पड़ेगा। अब मॉक और क्या होता है ना कि मॉक बहुत लोग इसलिए नहीं देना चाहते कि जैसे अभी मार्क्स मेरा है -4 परसेंटाइल आ गया एलआरडीआई में, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है। बट ठीक है, डीमोटिवेट होना भी पड़ेगा, नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा, अभी पढ़ते जाएंगे कॉन्फिडेंस आते जाएगा, फिर अचानक से 2-3 महीने बाद देख रहे कि सेम रिजल्ट आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि अभी से पता चल जा रहा है मेरे को कि हम मेरे को कौन से सेक्शन में ज्यादा पढ़ना है। तो जैसे मेरे को एलआरडीआई में बहुत पढ़ना है, मेरा नहीं हो पा रहा है, पिछले बार अच्छा हो गया था बट इस बार पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किए थे, 3 या 4 किए थे,
-4 percentile चला गया, तो ठीक है चलो कोई नहीं, बट करना तो पड़ेगा, डीमोटिवेट तो होंगे बट खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। छोटा सा एक था मेरे मन में कि हम बता दें, क्योंकि और भी जिन जिन लोगों से, कुछ लोगों से बात होती है तो उन लोग का पूछते हैं तो मॉक ही नहीं देते हैं, मॉक देना जरूरी है। सर भी मेरे को क्लास में बोलते हैं, मेरे को क्या सबको बोलते हैं, मॉक देना जरूरी है, उससे एक तो हैबिट हो जाता है वो 2 घंटा, मतलब वही 1 घंटा 20 मिनट बैठने का एटलीस्ट टेबल पे अभी से स्क्रीन के सामने, क्योंकि वहां भी बैठना है, वो शुरू से आदत बना रहेगा तो एक थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। तो यही कॉमन सा चीज था जो शेयर करना चाह रहे थे, मेरे जैसे और भी लोग मिस्टेक करते हैं, होता है, ये आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा पूछ लेने से पता चल जाता है, या फिर किसी से जो ऑलरेडी दे चुके हैं, या फिर जो भी मेंटोर है उनसे। तो अभी क्या है सीन है कि LRDI तो बहुत ज्यादा डूब गया मेरा, तो अभी सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन का क्वेश्चन पे थोड़ा सा बनाना है, तो अभी खाना पीना हो गया है, अभी ट्राई करते हैं एक्चुअली 3-4 सॉल्व करने का। कल संडे है, कल क्लास भी नहीं है, तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश करेंगे जल्दी सो जाए, थोड़ा एक वो रूटीन डेली का सुबह करना भी जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया और रिलेटेबल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और कुछ भी बताना हो, पूछना हो, या फिर जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोई सजेशन देना हो LRDI के बारे में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, कहीं पे आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।